दिमाग कमजोर होता है परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब दिमाग स्थिर होता है परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब दिमाग मजबूत होता है तो वही परिस्थितियां इंसान के लिए अवसर बन जाती हैं। Hey guys, welcome to my YouTube channel Study Ship with Kriti और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी के बारे में कि अगर आपको लगता है आपकी जिंदगी में निराशा ने घर कर लिया है और किसी भी काम की शुरुआत करने पर आपको ऐसी फीलिंग आती है कि यार अब ये मुझसे नहीं होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। वह देख नहीं सकती तो क्या हुआ, उसे सपने देखने से तो कोई नहीं रोक सकता। उसने न सिर्फ सपना देखा बल्कि उसे हकीकत में बदलने का इरादा भी देखा। हिम्मत, हौसले और पहाड़ जैसे अड़िग इरादों का जीता जागता उदाहरण है महाराष्ट्र के उल्हासनगर की रहने वाली प्रांजल पाटिल। वो देश की पहली दृष्टिहीन महिला आईएएस ऑफिसर बनती है। लोगों के ताने सुन कई बार रिजेक्ट होने के बाद भी प्रांजल अफसर बनकर ही मानी। आज की आईएएस सक्सेस स्टोरी की सीरीज में हम आपको बताने वाले हैं प्रांजल पाटिल की संघर्ष की कहानी के बारे में। आंखों के अंधेरे को प्रांजल ने कभी रास्ते की अड़चन नहीं बनने दिया। उन्होंने पहले ही प्रयास में देश की सबसे मुश्किल यूपीएससी सिविल परीक्षा में नेशनल लेवल पर 773 रैंक हासिल कर अफसर बनने की ओर कदम बढ़ाया था। प्रांजल की सफलता इसलिए भी बहुत बड़ी है, यूपीएससी परीक्षा पास करने के लिए उन्होंने किसी भी कोचिंग की मदद नहीं ली थी। परीक्षा में पास होने के बाद भी सफलता का सफर कांटों भरा था। यूपीएससी में सफल होने के बाद प्रांजल को भारतीय रेलवे में आईआरएस के पद पर काम करने का मौका मिला। प्रांजल ने बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ अपनी ट्रेनिंग में हिस्सा लिया, लेकिन रेलवे ने उन्हें विजुअली इम्पैर्ड होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया था। ये बात उनको बहुत ज्यादा चुभ गई। लेकिन दोस्तों, जब आपको किसी की कोई बात चुभती है ना, वही आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। प्रांजल भी अपनी मेहनत से मिले पद को कर समाज को एक नई डायरेक्शन देना चाहती थी। रेलवे डिपार्टमेंट के बताए कारण से प्रांजल बहुत ही ज्यादा डिससेटिस्फाई हो गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जीवन ने उनके आगे समय समय पर मुसीबतों के पहाड़ खड़े किए हैं, लेकिन उन्होंने इससे हिम्मत नहीं हारी। प्रांजल को आज भी अपनी आंखों की रोशनी खो जाने की कहानी याद है। जब वो 6 साल की थी और एक दिन स्कूल के किसी बच्चे के हाथ से उनकी एक आंख में पेंसिल छुप गई। उस हादसे ने प्रांजल की एक आंख छीन ली। अभी वो तकलीफ कम भी नहीं हुई थी कि साल भर बाद ही साइड इफेक्ट होने की वजह से उनकी दूसरी आंख की रोशनी भी खत्म हो गई। शायद किसी भी व्यक्ति को पीछे हटने के लिए ये सारे कारण काफी हैं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो पढ़ती रही और आगे बढ़ती गई। प्रांजल के पिता ने उन्हें मुंबई के दादर स्थित श्रीमती कमला मेहता स्कूल में एडमिशन कराया। स्कूल प्रांजल जैसे स्पेशल चाइल्ड के लिए ही था, जहां ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाई होती थी। प्रांजल ने वहां से 10th की पढ़ाई पूरी की और फिर चंदाबाई कॉलेज से आर्ट्स में 12th परीक्षा पास की, जिसमें उन्होंने 85% स्कोर किया था। लेकिन इन सब के बावजूद उनका उत्साह कम नहीं हुआ था। उन्होंने बीए की पढ़ाई के लिए मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज का रुख कर लिया। प्रांजल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि रोजाना उल्हासनगर से सीएसटी तक का सफर करती थी वह। हर बार कुछ लोग उनकी मदद करने के लिए आते थे, वे सड़क पार कराते थे तो कभी ट्रेन में भी बिठा देते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो कई तरह के सवाल करते थे। वो कहते थे कि रोज इतनी दूर पढ़ने के लिए क्यों आती हो, जब देख नहीं सकती हो तो पढ़ी क्यों रही हो। प्रांजल के इरादे किसी को कहां मालूम थे। ग्रेजुएशन के दौरान ही आईएएस प्रांजल ने पहली बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज के बारे में एक आर्टिकल पढ़ा था। प्रांजल ने यूपीएससी की परीक्षा से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन जुटानी शुरू कर दी। उस वक्त प्रांजल ने किसी से यह बात जाहिर नहीं की, लेकिन मन ही मन आईएएस बनने का इरादा कर लिया। बीए करने के बाद वह दिल्ली पहुंची और जेएनयू से एमए किया। इस दौरान ही प्रांजल ने आंखों से असक्षम लोगों की पढ़ाई के लिए बने एक खास सॉफ्टवेयर जॉब एक्सेस विद स्पीच की मदद ली, और अब प्रांजल को एक ऐसे लिखने वाले की जरूरत थी जो उन्हीं की स्पीड के साथ उनका एग्जाम लिख सके। वो विदुषी नाम के पेपर पर लिखने लगी। दोस्तों, केवल इतना ही नहीं, उन्होंने 2015 में तैयारी शुरू की और इसके साथ साथ एमफिल भी चल रही थी। इसी दौरान उनकी शादी
ओझारखेड़ा में रहने वाले पेशे से एक केबल ऑपरेटर कोमल सिंह पाटिल से हुई, लेकिन प्रांजल ने शर्त रखी थी, शादी के बाद भी वह अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखेंगे। माता पिता, पति और दोस्तों के सहयोग से प्रांजल ने साल 2015 में यूपीएससी की परीक्षा में 773 रैंक यानी कि 773 रैंक हासिल कर ली, लेकिन वो रिजेक्ट हो गई और फिर दोबारा मेहनत के बाद उन्होंने 124 रैंक हासिल कर नया मुकाम रच दिया। प्रांजल ने दूसरे प्रयास में पहले से भी अच्छे अंक प्राप्त कर दिव्यांगता को कमी बताकर ठुकराने वाले लोगों को करारा जवाब दिया। साथ ही प्रांजल ने दिव्यांग वर्ग में भी टॉप किया था। वाकई में मुश्किल हालातों से निकलकर अपने आईएएस बनने के सपने को साकार करने वाली प्रांजल पाटिल के हौसले को मैं सलाम करती हूँ। एक ऐसा हौसला जो ना जाने कितने लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनकर सक्सेस स्टोरी लिखेगा। दोस्तों, हम जिंदगी में गिरते हैं, हम ऐसी परिस्थिति से गुजरते हैं जिसकी हमने कभी उम्मीद नहीं की होती। हम दो बार कोशिश करते हैं, हम तीन बार करते हैं और लास्ट में हार मान लेते हैं। क्या ये हमारी जिंदगी या मकसद का दी एंड है? असफलता गिरना नहीं है, असफलता गिरकर दोबारा ना उठना है, असफलता दुखी होना नहीं है, असफलता दोबारा ना खुश होना है। अगर आप टैलेंटेड हैं और आपके पास मकसद है, सही दृष्टिकोण है, जज्बा है और काम करने के रास्ते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, यकीन मानिए। लेकिन क्या हो अगर आपको हर बार सफलता ना मिले? उम्मीद मत छोड़िए, आप इस दुनिया में सबसे बेहतर हैं। यहाँ पर कुछ टैलेंटेड लोगों के एग्जाम्पल के बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोगों के एग्जाम्पल हैं जो डिसेबल होते हुए भी वो कर दिखाया जो हम एबल होकर भी नहीं कर पाए। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक शख्स की कहानी बताना चाहूंगा। निक विजय सिंह एक ऐसी शख्सियत है जिनकी स्टोरी पढ़ने के बाद आपकी जिंदगी में निराशा खत्म हो जाएगी। अगर आपने हार मान ली है तो वापस से हिम्मत आ जाएगी। निक विजय सिंह वो शख्स हैं जिनके दोनों हाथ नहीं है लेकिन अपनी किस्मत उन्होंने खुद लिखी, दोनों पैर नहीं है लेकिन आज सफलता की दौड़ में वो काफी दूर निकल गए। उन्होंने अपनी एक बुक में बहुत ही बढ़िया लाइन कही है, अगर आपके साथ चमत्कार नहीं हो सकता तो खुद एक चमत्कार बन जाइए। बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल इन टू दिस वर्ल्ड। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और हम वह सब कुछ सोच सकते हैं जो हमने आज तक नहीं सोचा। अपने इरादे को इतना मजबूत रखना कि दिव्यांग से दिव्य बन जाओ।